हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी कि अभी जो है आज 18 सितंबर है और आज जो है वो दूसरा दिन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का चल रहा है 2018 का। तो हम जैसा कि आपने सुना होगा कि हमने कहा था आपसे कि 18 सितंबर को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस एक दिन के हम शाम को आपको एक साथ लाके देंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस यहाँ हम डिस्कस करेंगे जिनसे आगे आपको फायदा हो सकता है। मतलब इसमें बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और वही क्वेश्चंस हम यहाँ बस डिस्कस करेंगे जिनसे कल या आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सारे साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे अभी इस वीडियो में और जो भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे उनका आंसर भी आपको मिलेगा और जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होगी इससे रिलेटेड, ताकि आपका आगे जो है हेल्प हो सके और उसमें क्वेश्चंस आपका जो है वो सॉल्व करने में ये मदद करे, तो वो भी मैं देता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंग्लिश हिंदी दोनों में टेक्स्ट है, जिन्हें इंग्लिश पसंद हो वो यहाँ पे इंग्लिश के लिए भी जो है समझ सकते हैं और हिंदी भी समझ सकते हैं जिन्हें हिंदी पसंद हो। पहला क्वेश्चन है गैल ब्लैडर से पूछा गया था, गैल ब्लैडर जो है एक बायो का क्वेश्चन हो गया और इसमें इसका हिंदी जो है पित्ताशय होता है, तो पित्ताशय की थैली से एक सवाल आपसे पूछा गया था। एक्यूरेटली क्या सवाल था ये हमें नहीं पता, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ गलत जानकारी आपको नहीं देंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि वहां पे हम आपको इसका जो है क्वेश्चन दे सकते हैं और सॉल्यूशन भी। अगला क्वेश्चन आया था व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, पूछा गया था आपसे कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन फिजिक्स का हुआ और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जूल। तो एनर्जी जो है उसका जो ऊर्जा होती है उसकी एसआई इकाई जो है वो जूल होती है, तो एसआई यूनिट आप सभी को पता होगा स्टैंडर्ड जो एक यूनिट होता है वो, उसकी बात हम करते हैं एसआई यूनिट से। और जैसे कि मीटर हो गया लेंथ का, किलोमीटर माफ कीजिएगा जो ग्राम हो गया वो हो गया आपका वेट का, वैसे ही एनर्जी का जूल हो गया। अगला क्वेश्चन आया था इका एल्यूमिनियम रिप्लेस्ड बाय विच नेम, तो इसमें आपसे केमिस्ट्री का ही है और ये पूछा गया था कि इका एल्यूमिनियम जो है वो किस नाम से प्रतिस्थापित की गई, तो इसका मतलब कि पहले जो इसका नाम इका एल्यूमिनियम था अभी उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गैलियम होगा। तो मैं आपको बता दूं ये इका एल्यूमिनियम जो है वो मेंडलीव ने ऐसा था, मैं इसको इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, और पहले क्या था कि अभी आप जैसा पीरियोडिक टेबल देखते हैं वैसा पहले नहीं था, तो उससे अलग था और उसमें मेंडलीव ने जो है वो जहां गैलियम की जगह अभी आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में वहां पे पहले कुछ नहीं था और उन्होंने उस जगह को खाली छोड़ा था, लेकिन ऐसा उन्होंने जो है वो प्रिडिक्ट किया था, मतलब जिसे आप कहते हैं कि भविष्यवाणी की थी कि वहां पे एक एलिमेंट आएगा जो जिसकी प्रॉपर्टी अल्मोनियम से मिलती होगी और इसलिए उन्होंने इसका नाम इका एल्मोनियम रखा है। तो ये इका एल्मोनियम इसलिए उस गैलियम का नाम है, बाद में वहीं पे गैलियम आया और वो सच में पाया गया कि वो एल्मोनियम से काफी उसका मिलता जुलता प्रॉपर्टी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक आया था लैटेंट हीट से और पूछा गया था अव्यक्त गर्मी जो है वह क्या होती है, या फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता दूं कि लैटेंट हीट जो होता है इसके बारे में कि ये क्या होता है ना, कि आप देखते होंगे जैसे आपका जो है वो किसी बर्तन में आप खाना पकाते हो, कुक करते हो जब, तो पहले क्या होता है कि तब तक आपका खाना जो है, या फिर मैं ऐसे बता देता हूँ कि जैसे आप देखते होंगे कि जो बर्फ है अगर आपके पास, तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसको एक साथ हीट करोगे तो वो बर्फ क्या होगा कि पहले सबसे पहले बर्फ के हर पार्ट में, जो जितना आपका बर्फ है उसके हर पार्ट में हर जगह पे वो हीट जाएगी और तब तक वो पूरी तरह से पिघलेगा नहीं जब तक सब पार्ट में हीट चले जाए। तो पहले वो क्या करता है कि सारी हीट ले लेता है अपने अंदर, उसके बाद क्या होता है कि एक साथ सब पिघलना शुरू करते हैं, वही जो हीट लेता है उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था डीएनए से, डीएनए क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए भाई, जीन से रिलेटेड है डीएनए, बायो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो है वो एक नेचुरल आप कह सकते हैं पॉलीमर है हमारे शरीर का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट जानना है कि नेचुरल पॉलीमर है ये। तो और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है वो जीन तय करने में, मतलब जीन का जो ट्रांसफर होता है आप लोग जानते होंगे कि जो डीएनए के कारण ही होता है और ये यूनिक होता है, इसलिए इसे आपको याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम से, तो ये भी बायो का क्वेश्चन है और गुणसूत्र की रचना से एक सवाल आया था। फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आया था कि विच मेडिसिन इज यूज फॉर ट्यूबरक्लोसिस, तो ये भी आपका बायो से ही क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया था कि ट्यूबरक्लोसिस जो आपने सभी ने नाम सुना होगा, तो ये जो हो जाता है ये जो डिजीज है उसके लिए कौन सी दवा जो है वो यूज की जाती है, शायद ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में हम तपेदिक बोलते हैं, तो ये भी आप जान लो और इसके लिए कौन सी दवा यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा आइजोनियाजिड, तो इसे हम जो शॉर्ट फॉर्म में सब INH ही कहते हैं, तो आइजोनियाजिड इसका नाम है और यही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो वो RH फैक्टर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था,
ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि आर एच फैक्टर क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो आपसे पूछा गया था कि पावर ऑफ लेंस जो होता है, आप लोगों में से बहुत लोगों को चश्मा लगा होगा, बहुत लोग भाई आप लोग पढ़ते हो ज्यादा हो तो फिर ऐसे चश्मा भी लगा ही होगा आपको, तो खैर इस पे हम ध्यान देंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि पावर ऑफ लेंस जो आपके चश्मे का होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। जैसे आपने देखा कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो वैसे ही पावर ऑफ लेंस का क्या होता है, जिसका आंसर होगा डायोप्टर। तो ये वो वाला पावर नहीं है, और आप पावर में ऐसे नहीं कि किलो वाट या वाट मार के आ जाओ, बिल्कुल नहीं, वो पावर नहीं है, ये लेंस की पावर है और इसका आंसर जो होगा वो डायोप्टर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो वो आपसे पूछा गया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है भाई, मैंने देखा है बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स बायो का एक क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा मेंडल। इसका पूरा इनका पूरा नाम अगर हम जाने तो ग्रेगोर जोहान मेंडल इनका पूरा नाम था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन एक आया था, विच कलर इन विबजियोर हैज लीस्ट वेवलेंथ। तो ये जो विबजियोर है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विबजियोर होता क्या है। तो विबजियोर जो है, आप रेनबो देखते हो, रेनबो का नाम सबने सुना होगा, और उसी रेनबो में जो सात कलर होते हैं उन्हें हम विबजियोर बोलते हैं। तो विबजियोर का फुल फॉर्म मैं बता दूं, वी से वायलेट होता है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो यही सात कलर आपको रेनबो में देखने को मिलेंगे। खैर अब तो रेनबो बहुत कम ही दिखता है, हमारी ओर तो बहुत कम दिखता है, तो मतलब रेयरली होता है। आपको पता है कि उसके लिए भी मतलब स्पेशल कंडीशंस चाहिए, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि विबजियोर में कौन सा रंग जो है वो सबसे कम वेवलेंथ का होता है, जिसका आंसर होगा वायलेट। तो वायलेट का वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है, और वेवलेंथ क्या है ना कि इसमें बढ़ते जाता है, जैसे वायलेट से ज्यादा इंडिगो का, इंडिगो से ब्लू का, और ऐसे ही ग्रीन, येलो और सबसे ज्यादा रेड का। तो ये आपको याद रखना है, और रेड का वेवलेंथ आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर आपको नहीं याद रहता है कि वायलेट का सबसे कम होता है, तो आप क्या करो कि रेड का याद रखो, और उसके अपोजिट वायलेट है तो आपको पता होगा कि फिर वायलेट का कम होता है। तो रेड का कैसे याद रखोगे ये बात आती है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे लंबा होता है, इसका आप कारण ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो सूर्य से रोशनी आती है, और सूर्य आपसे बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। उस वक्त सुबह और शाम को सूर्य आपसे सबसे ज्यादा दूर होता है, तो उस वक्त जो है आपको बस लाल कलर का वो दिखता है। तो बस यही आपसे मतलब वो यही डिनोट करता है कि सूर्य में से जो सात कलर निकलते हैं, सारे जगह से सात कलर निकलते हैं, तो वो सात कलर जो निकलते हैं उसमें से एक रेड कलर ही है जो इतनी दूर तक आ पाता है। इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जब आप गाड़ी से निकलते हो हाईवे पे, आप देखते होगे साइंस बने होते हैं, उसमें लाल कलर का जो लाल कलर से ही साइन होते हैं, जैसे हॉस्पिटल का साइन हो गया, रोड पे ही आप देखते होगे साइड साइड में, तो वो भी इसी कारण होता है कि लाल कलर जो है वो सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल करता है, तो रात को भी वो सबसे अच्छे से दिखेगा। तो ये काफी था आपको याद रखने के लिए, और आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मिली होगी। तो यही कुछ मतलब साइंस तो है ही इतना रोचक, अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जाए तो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ये। और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई नंबर लाना तो अलग बात है और जानकारी रहनी अलग बात है। आपके पास जानकारी रहेगी तो आप कहीं भी जाके अपना जो है एक स्टैंड रख सकते हो, आपका कहीं भी जाके जो है एक वैल्यू रहेगी आपकी, और किसी को भी आप इस बारे में जानकारी दे सकते हो। अगला एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज D2O। पूछा गया था आपसे कि D2O क्या है। तो D2O बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हार्ड वाटर है और ये इसका फॉर्मूला है, तो आप बिल्कुल इसे याद रखो D2O। इसमें D2 में जो होता है, डी से ड्यूटेरियम होता है, तो आपको ड्यूटेरियम के बारे में बता दूं कि ये होता क्या है। तो ड्यूटेरियम जो है वो एक हाइड्रोजन का आइजोटोप है। आइजोटोप क्या होता है, जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास अलग अलग होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है पहला पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट, उसके तीन आइजोटोप होते हैं, एक हो गया आपका प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, और तीसरा जो है वो होता है ट्रिसियम। तो ये ड्यूटेरियम है, और आप जो ऐसे सॉफ्ट वाटर सुनते होंगे, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं पीते हैं, वो H2O होता है, उसमें प्रोटियम होता है, लेकिन ये हार्ड वाटर में ड्यूटेरियम होता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, और यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे आज पूछे गए थे, तो मैंने आपका ज्यादा समय नहीं लिया और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मिल गए हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको सब क्वेश्चन, अगर आपको सब क्वेश्चन चाहिए फिर तो मतलब सारे क्वेश्चन चाहिए हर शिफ्ट के, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाते ही हैं। लेकिन यहाँ पे ये शाम का शिफ्ट हम लेते ही हैं, मतलब वीडियो देते ही आपको, इसलिए है कि उसमें हम बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें जिनसे आपके आगे पूछे जा सकें, मतलब पूछे जाएं, और ऐसा होता भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये वीडियोस देखो हर रोज शाम को, एटलीस्ट ये वीडियो जरूर देखो, और उसके बाद आगे आप एग्जाम देने जाओ। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि हमारा फेसबुक पेज अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये फेसबुक पेज है हमारा कंपटीशन चुटकी में के नाम से ही है। आप वहां जाओ और वहां पे जाके हमारे पेज को लाइक करो, हमारे YouTube चैनल को भी कहना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करो। फेसबुक पेज में ये खासियत है कि आपको तुरंत तुरंत इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी, और सबसे जल्दी मिलेंगी, सबसे एक्यूरेट मिलेंगी, और PDF भी वहीं आपको मिल जाएगा, कुछ भी आपको जो PDF में चाहिए हो तो वहां मिल जाएगा।
खैर हम कहेंगे आपको कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और हमारे चैनल को नीचे यहाँ सब्सक्राइब कर लिया, आप एरो का निशान स्क्रीन का भी देख सकते हैं, उसके नीचे एक सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या एक मिकी माउस का निशान जो हमारे पीसी से यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हैं इस वीडियो को, वो क्या कर सकते हैं कि वहाँ एक मिकी माउस का निशान है तो उस पर आप जाके क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये भी हमने आसान कर दिया है, जैसे हम क्वेश्चंस को आसान कर देते हैं, और आपके लिए जो है वो यही कोशिश में हम कि एग्जाम भी आपके लिए आसान हो जाए और आप जो है सक्सेस पा सके। लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज, एंड इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहे, धन्यवाद। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे कंपटीशन चुटकी में, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ खास लेके आया हूँ। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो अभी आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो जीके पढ़ते हैं और बाकी उनमें साइंस का नॉलेज होता है और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज रखना पड़ता है उन्हें, खासकर जीके साइंस, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आपके लिए आज एक ऐसा जो है एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए, एक ऐसा ट्रिविया गेम के बारे में आपको हम बता रहे हैं, जिनसे आप जो है आसानी से अपना करेंट अफेयर्स मजबूत कर सकते हैं, और इतना ही नहीं आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, और आप जितने क्वेश्चन सही दोगे आंसर उनका उनके हिसाब से आपको अवार्ड भी मिलेगा। तो हम आपको इसमें आपको इस वीडियो में हम यही समझाने वाले हैं कि कैसे आप इस ऐप को यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी जो है पहले किसी स्टूडेंट ने ही मुझे बताया इस ऐप के बारे में, तो मैंने भी ट्राई किया और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेरेका ऐप का नाम है, और इस क्वेरेका ऐप में क्या खास बात है कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि आसान क्वेश्चन आपसे 10 पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन आपसे जो हैं वो सारे फील्ड से पूछे जाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, जो आपका जीके हो गया, करेंट अफेयर हो गया, तो उससे क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे, तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन आते हैं, और उसका अगर आप सही सही आंसर देते हो तो आपको उसके लिए अवार्ड भी मिलते हैं। तो आप भाई अच्छी बात ये है कि आपका इसमें कोई घाटा तो हो नहीं रहा, आपका करेंट अफेयर्स भी मजबूत होगा, आपका जीके भी मजबूत होगा, लेकिन आपको जो है इसके लिए अवार्ड भी मिलेगा। तो आज सबसे खास बात यह है, आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं बता दूँ कि आज जो है वो 9 बजे रात को 150,000 प्राइज आप जीत सकते हैं। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो, लेकिन जो जिन स्टूडेंट्स या फिर जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और उन्हें पता है कि ट्रिविया गेम क्या होता है, तो उन्हें पता होगा कि इसमें रियली के पैसे मिलते हैं, और मुझे भी मिले हैं, मेरे बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने खेला उन्हें भी मिले हैं, तो आपको भी मिल सकते हैं। तो 150,000 का जो है अमाउंट आप आज जीत सकते हैं, और आज रात को 9 बजे ये होगा। तो अगर आप 10 सही आंसर दे देते हो और आपको जो है अपने नॉलेज पे पूरा भरोसा है, तो आप आराम से ये जीत सकते हो। तो मुझे इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादातर जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो जीके साइंस ये सब तो अच्छा होगा ही ऑलरेडी, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप ही लोग जैसे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आके जीत सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे खेलिए, और मैं आपको इस बारे में बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि आप जब खेलने जाओगे और अगर आपका 10 में से कोई एक क्वेश्चन कहीं बीच में गलत हो जाता है, तब भी आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर आपके पास लाइफ है तो आपको वो लाइफ जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा, और आप फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हो, तो आप गलत भी करके आगे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा कोड मैं आपको यहाँ एक देता हूँ, और उस कोड से आप जब क्वेरेका की ऐप डाउनलोड करोगे, इसका लिंक मैं क्वेरेका की ऐप के नीचे डाल देता हूँ कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जब अपने मोबाइल में से डाउनलोड करोगे तो साइन अप करते वक्त आपसे जो है पूछा जाएगा कि आपके पास कोई रिफ़रल कोड है या नहीं है, तो आप जो है उस रिफ़रल कोड पे क्लिक करोगे, और उसमें मैं यहाँ जो कोड आपको दे रहा हूँ वो कोड आप वहाँ डालोगे, तो आपको 2 लाइफ एक्स्ट्रा मिलेगी, और 2 लाइफ जैसे ही आपको एक्स्ट्रा मिलेगी तो आप आज रात के जो क्विज है उसमें आप अगर क्वेश्चन गलती भी करते हो तो भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो याद से एकदम जो मैं कोड यहाँ पहले आपको दे देता हूँ, यहाँ डाले हुए साइन अप मत करिएगा, क्योंकि इस कोड से ही आपको 2 लाइफ मिलेंगे, और वो 2 लाइफ कितना इंपॉर्टेंट होगा ये आप समझ सकते हैं। जब आप 150,000 का जो आप दे रहे होगे, क्विज खेल रहे होगे, तो अगर आप गलती भी करोगे क्वेश्चन, तो वो आपकी लाइफ जो है वो आपको अगले क्वेश्चन तक लेके जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप 10 क्वेश्चन तक पहुंच गए तो आपको जो है ये 150,000 का इनाम मिलेगा, और ये सच में मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, आपका करेंट अफेयर्स तो बढ़ेगा ही। और कैसे खेला जाता है इस वीडियो को, मतलब इस गेम को, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, और कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बाकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी, कैसे ऐप डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं।